सियासी महाभारत में हम सीधे आपको लिए चलते हैं आपके विधायक बिन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर वो आज बड़े खुलासे करने का दावा भर रहे थे। सच की लड़ाई में आप लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश के इतिहास के लिए, हम सब लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुद्दे सब वही हैं जो आप लोगों ने पिछले दिनों देखे हैं, जो आम आदमी पार्टी ने आप लोगों के बीच में किए थे, वही मुद्दे हैं। लेकिन उनमें क्या बदलाव आया, क्या हेरफेरा हुआ है, क्या रिफन बैठ हुआ है, क्या करनी और कतनी में फर्क आया है, वो आप लोगों के सामने में बताऊंगा। और उसके बाद पार्टी की कुछ पॉलिसीज जो पिछले दिनों मैंने देखी, पिछले दिनों में जो मैंने देखी पार्टी के अंदर की जो कार्यशैली है उसको देखा, वो आप सब लोगों के बीच में बना। उसके बाद जितने सवाल आप लोगों के होंगे पूरी ईमानदारी सच्चाई से प्रयास करूंगा कि उनका जवाब दे पाऊं आप लोगों को, क्योंकि 10 बजे का मैंने आपसे प्रॉमिस किया तो मैं बिल्कुल ठीक टाइम से आप लोगों के बीच में हूं। सबसे पहला सवाल है कि आम आदमी पार्टी बनी क्यों? आम आदमी पार्टी किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को एमएलए बनाने के लिए, किसी को एमपी बनाने के लिए नहीं बनी। आम आदमी पार्टी देश की जनता ने पिछले 10-15 वर्षों में दिल्ली में भ्रष्टाचार, देश में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और जितने भी तमाम मुद्दे थे, उन मुद्दों से परेशान होकर एक आंदोलन चला। उस आंदोलन से निकल के पार्टी बनी और उसमें अन्ना जी के आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इस देश में। आम आदमी ने इन्हीं कारणों से जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी बढ़त भी हासिल की और दिल्ली सरकार ने बनने से पूर्व, सरकार बनते समय सरकार ने जो वादे किए थे वे वादे लेकर सरकार की कथनी और करनी में फर्क आ गया। वो क्या फर्क है तो आप लोगों के बीच में अभी मैं जा रहा हूं। पहला पान मुद्दा है हमारा पानी का। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने और मैंने प्रत्येक मंच से 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर को मुफ्त पहुंचाने का वादा किया था। 700 लीटर से ऊपर पानी का बिल देने की बात की गई थी, तो मैनिफेस्टो बनाते समय बड़ी चतुराई से इसमें 701 लीटर पानी होते ही पूरे पैसे लेने की बात जोड़ दी गई। आप दिल्ली की जनता से एक बात पूछिएगा, जितने मंचों पे हमने बात कही, हमने बात कही कि 700 लीटर हर घर तक साफ स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा और वो बिल्कुल मुफ्त, और उसमें मैनिफेस्टो बनाते वक्त एक बहुत चतुराई से एक बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर से जो ज्यादा पानी खर्च करेगा वो उसे पूरे पैसे देने होंगे। मैं बता दूं मैनिफेस्टो मेरे ख्याल से 2% लोगों के पास भी नहीं पहुंच पाता है। कितने लोग मैनिफेस्टो पढ़ पाते हैं आप बताइए, जितने पत्रकार बंधु मेरे साथ, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सीधा सीधा जिस मंच से मैंने बोला, अरविंद भाई ने बोला, जितने हमारे वक्ता थे उन्होंने बोला, ये बोला 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचेगा, लेकिन बहुत चतुराई से बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर जैसे ही होगा उसमें पूरा पानी उस आदमी को देना पड़ेगा। ये मैनिफेस्टो ये दिल्ली की जनता के साथ कहीं ना कहीं शब्दों का खेल है, ये सबसे बड़ा धोखा है दिल्ली की जनता के साथ। दूसरी बात, दिल्ली में पिछले दिनों अरविंद भाई ने अनशन किया था पानी को लेकर, बिजली को लेकर, तो उस समय एक बात बहुत जोर शोर से कही गई थी कि दिल्ली में जो जितने भी पानी के नाजायज बिल आ रहे हैं उनको जनता देना बंद करे, और उसके समर्थन में 10,52,000 लोगों ने अपनी समर्थन की चिट्ठियां आम आदमी पार्टी के जहां अनशन स्थान पर सीमापुरी में हो रहा था वहां लोगों ने दी, और ये भी कहा गया कि जब ये सरकार बनेगी तो जितने भी पानी के बिल हैं आज तक जब सरकार बने तक सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन आज उन वादों का कोई नाम लेने वाला नहीं है। सरकार बनने के बाद बड़े बड़े लोग अपने सचिवालय और बड़े बड़े ऑफिस में बैठ गए हैं, उनके पास जनता को तो प्रयास भी किया तो जनता पहुंच नहीं पाती है, फेस करना पड़ता मेरे जैसे लोगों को, क्योंकि हम जनता के बीच में बैठने वाले, रोड पे बैठने वाले लोग, तो ये फेस करने वाले ये हैं। और ये बड़ा धोखा है 10-52,000 लोगों ने के साथ, ये परिवारों के साथ ये धोखा है कि उन्होंने ये प्रोमिसेस किया था कि जब भी सरकार बनेगी आपके सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। आज लाखों रुपए के बिल लोगों के घरों में है, इस पर कोई पूछने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इससे बड़ा दिल्ली की जनता के साथ क्या धोखा हो सकता है। दूसरी बात थी बिजली। बिजली में हमने सीधा सीधा हर मंच पे एक बात कही थी, मैंने भी कहा, अरविंद भाई ने भी कहा, जितने प्रवक्ता थे उन सब लोगों ने कहा कि बिजली के हम 50% दाम सीधे सीधे कम करेंगे। उसमें कहीं भी कंडीशन नहीं थी, उस दिन कोई शर्त नहीं थी, उसमें सीधा सीधा बोला गया था किसी को 1 लाख बिल होगा तो 50,000 होगा, किसी का अगर 50
उल्टा सीधा सबको बोला गया था, दिल्ली की जनता को यही मैसेज था। और उसके बाद ये कहीं नहीं था कि भाई कॉमर्शियल के साथ हम भेदभाव करेंगे, कहीं इंडस्ट्रियल के साथ हम भेदभाव करेंगे, कहीं इंडस्ट्री के साथ हम हेराफेरी करेंगे, रेजिडेंशियल के साथ कुछ हमारे अलग नियम होंगे, या झुकी बस्ती के लिए अलग होंगे, रिसेटलमेंट कॉलोनी के अलग होंगे, ये कहीं भी किसी मंच पे नहीं कहा गया। लेकिन बहुत चतुराई से चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत जल्दी में 400 वाली यूनिट वाली एक स्कीम बनाई और सब्सिडी देके अपनी शुरू कर दी, ये बहुत शर्मनाक चीज है। ये दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए तरीका था। आपको क्या जल्दी थी इतनी, आपने 3 महीने का समय दिल्ली की जनता से लिया था? आपको क्या जरूरत पड़ी थी चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के बाद आप वाहवाही दिल्ली में? ये बहुत शर्मनाक बात है और इससे कम से कम दिल्ली की 90% जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। ये उसके बाद सेम कंडीशन जब दिल्ली में पानी और बिजली का आंदोलन चल रहा था उस समय दोनों, क्योंकि 10,52,000 चिट्ठियां लोगों ने साइन की थी, उनसे भी ये प्रोमिसेस किया गया था कि भाई जब दिल्ली की जनता में दिल्ली में सरकार बनेगी तो आप जो नाजायज बिल देना बंद कर रहे हैं सारे बिल आपके माफ कर दिए जाएंगे। और आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। दिल्ली की जनता ने 10,52,000 परिवारों ने चिट्ठी साइन करके आपको दी, उसमें हजारों लोगों के ऊपर चोरी के केस बने, लोगों के कनेक्शन कटे। अरविंद केजरीवाल जी ने और साथ में और साथियों ने सारे वॉलंटियर वो कनेक्शन जाके उनके घरों में जोड़े, लेकिन उसका खामिया दिल्ली की जनता को, जिन लोगों ने उनका समर्थन किया उनको भुगतना पड़ा। उनपे लाखों लाखों रुपए के बिल आज पेंडिंग है। इसका जवाब कौन तलाशेगा कि उन लोगों के साथ क्या होगा जिन लोगों ने बिजली के बिल आपके समर्थन में भरे? आज आप उसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है उसकी। किसको फेस करना पड़ता, मेरे जैसे लोगों को बैठ के फेस करना पड़ता। इसके बाद ये दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी चैनलों से भी अनुरोध करूंगा और मैं भी एक प्रयास करूंगा कि कम से कम एक नई चीज निकल के आए। आम आदमी पार्टी राय समारी पे एक बहुत ज्यादा जोर देती है, हमने भी पिछले दिनों राय समारी बहुत कराई है। इन दो मुद्दों पे आप जितने भी चैनल मेरा सहयोग करना चाहे, दिल्ली की जनता का सहयोग करना चाहे, इन पे दोनों पे आप राय समारी जरूर कराइएगा। ये दिल्ली के पानी के मुद्दे पे क्या मतलब आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा थी, बिजली के बिल को लेकर आदमी ने आम आदमी पार्टी ने आपके बारे में क्या कहा था, और दिल्ली की जनता से पूछिएगा। आप जो भी तरीका आप अपना पाए पूछ के और जनता के सामने रखिएगा सारी बातें कि ये बात कही थी कि कही थी 700 लीटर हर घर तक स्वच्छ साफ पानी पहुंचेगा, ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि बिल्ली आंदोलन के बाद जो लोग हमारा सहयोग करेंगे उनका बिल माफ कर दिया जाएगा। आप ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि जो लोग बिजली आंदोलन में हमारा सहयोग करेंगे उनके बिल सरकार बनने के बाद माफ कर दिए जाएंगे, चोरी के जितने केस हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, ये बात कही थी कि नहीं कही थी? ये पूछने का सवाल है। राय शुमारी कराइएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, दिल्ली की जनता ये कहती है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या हमारे सीनियर नेता आम आदमी पार्टी के जिन लोगों ने वादा किया वो झूठ बोल रहे हैं, जो भी इसमें झूठा हो उसको अपना पद छोड़ना होगा, चाहे वो विनोद कुमार बिन्नी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उसको अपने पद त्याग पत्र देना होगा। दिल्ली की जनता किसी को भी झूठे वादों पर माफ नहीं करने वाली है। अगर मैंने झूठ बोला है, मैं आप मन से झूठ बोल रहा हूं, ये बातें अगर मैं आपके सामने रखा हूं, तो दिल्ली की जनता से आप राय शुमारी करिए। करने के बाद में ये पूछिए कि भाई ये वादे किए थे कि नहीं किए थे आम आदमी पार्टी, आज आम आदमी पार्टी के वादे क्यों बदल गए, इस पर राय शुमारी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि जनता की राय आनी बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसपे ये पार्टी बनी, अन्ना जी वाला चल लोकपाल जिस दिन बनाने की बात की थी तो उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया गया था। यह बनाया गया कि सरकार बनने के 14 दिन के बाद 29 तारीख को दिल्ली में जनलोकपाल लागू कानून पास कर दिया जाएगा। 29 नवंबर वो डेट थी। मैं मानता हूं कि सरकार 28 तारीख को बनी, उसके बाद ये 15 तारीख से पहले जो कल डेट गई है, क्योंकि कल आज 19 दिन हो गए हैं, आज तक उनके वादे के अनुसार ये कानून बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना? इसके पीछे मंशा क्या है आपकी, ये जनता के सामने आपको स्पष्ट करना होगा। ये वादे अगर आपने 15 दिन का प्रोमिसेस किया था तो क्या आपके दिनों का समय सीमा जो निर्धारित करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है? आप जनता को जो मर्जी स्टेटमेंट दे देते हैं, आप ये बोल देते हैं 15 दिन में हम करें, तो 15 दिन कहां गए आपके? आपने तो डेट निश्चित की, डेट निश्चित करने के बाद भी हम मानते हैं दिल्ली की जनता मानती है चलो भाई 15 दिन लेट सरकार बनी, 28 तारीख को सरकार बनी थी, तो आपको 10 तारीख से पहले 12 तारीख 11 तारीख में सर्वो कानून बन जाना चाहिए था। अगर आप समय से आप निर्धारित नहीं करेंगे, आपने अपने बोले हुए वाक्यों पर नहीं टिकेंगे तो आप पर विश्वास करना बंद कर देंगे। अगर मैंने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की थी, अगर 10:05 पे भी आता तो मैं किसी कमेंट में मतलब अपनी बात को रखने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इंसाफ भी कर रहा हूं। समय की बहुत बड़ी सीमा होती है।
क्योंकि समय हमारे पास कितना 2 महीने है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये भी मनसा झलकती है कि किसी तरह 2 महीने पास करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पानी पे बहुत जल्दी डिसीजन दे दिया, बिजली पे बहुत जल्दी में डिसीजन दे दिया, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का कोशिश, और ये उसी तरह 2 महीने किसी तरह गुजार के आचार संहिता लग जाए, लोकसभा चुनाव आ जाए, हम लोग सत्ता भोगे, ये इनकी मुझे लगता है अंदर से मनसा है। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमने अगर वादे किए हैं तो उनको पूरा करना चाहिए, उनमें हेराफेरी नहीं करनी चाहिए, उन्हें धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, दिल्ली के साथ जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर इस पार्टी से जुड़े तो हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जुड़े, हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करके नहीं जुड़े, हम विचारधारा के साथ जुड़े वाले लोग हैं। मैंने अपने जीवन का 10 साल पॉलिटिकल जीवन के 10 साल उस समय इस पार्टी को देने शुरू किए जब इस पार्टी के पास कुछ नहीं था। मुझे बहुत दुख भी होता है कहते हुए कि ये लोग जब ये कहते हैं कि भाई मैं पद का लालची हूं, मुझे लोकसभा टिकट चाहिए, मुझे विधानसभा टिकट चाहिए, ये बहुत शर्मनाक बातें हैं। जिस दिन मैं आपकी पार्टी में आया तो आपके पास देने के लिए था क्या, आप क्या दे सकते थे? सच बताऊं तो आपको मैंने दिया, एक जनता का चुनाव दिल्ली दिया, पहला पार्षद के रूप में मैंने एक आदमी आपको दिया, मैंने आपको एक नाम दिया जिसको अरविंद भाई ने लगभग 200 सभाएं अगर दिल्ली में की होंगी मेरी विचारधारा को लेकर, जो मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट अरविंद भाई ने सब मंचों पर कहा, उसमें से 190 सभाओं में मेरा नाम लिया होगा, मेरे नाम को यूज किया है, मेरी जो कार्यशैली को यूज करके दिल्ली की जनता को एक सपना दिखाया है, उन्होंने सपना दिखाया, मैंने वास्तविकता में 10 वर्षों में अपने कार्य क्षेत्र में उसको साक्षात्कार करके दिखाया, अपने आप करके दिखाया सारी चीजें। मैं वादों पर विश्वास नहीं करता, मैं करने में विश्वास करता हूं। आज मुझे लालची बोलते हैं, पद का लालची बोलते हैं। इसके बाद महिला सुरक्षा की मैं बात करता हूं। आज मैं सुबह अखबार जैसे था, मेरे सामने एक अखबार आया, बहुत चिंता का विषय है कि नई दिल्ली रेलवे के पास एक विदेशी महिला के साथ गैंग रेप हुआ, उस पर कोई स्टेटमेंट आने वाला नहीं है। अगर आज मान लो इस सरकार की कोई दूसरी सरकार होती तो ये आम आदमी पार्टी क्या करती होती, आंदोलन हो रहे होते, उसकी खाइयां खोदी जा रही होती, उसके एक मोर्चा खोल दिया गया था। आज स्टेटमेंट तक नहीं आपकी, एक लाइन भी नहीं बोली आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए आपको महिला सुरक्षा की बात करते हुए, क्योंकि आपने कमांडो फोर्स बनाने की बात की, कमांडो फोर्स बनाना तो बहुत दूर, आपने उसकी बात शुरुआत तक नहीं की, वाडले पे आपको बोल माला सभा, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मामला था, महिला की सुरक्षा को लेकर इतना महत्वपूर्ण मामला है तो सबसे पहले कामों में सबसे पहली पंक्ति में सबसे पहला नंबर होना चाहिए। जो पिछले देश ने तो पिछले 2 सालों में इतने बड़े बड़े आंदोलन जिस चीज के लिए हैं उसको आप मुद्दे को गौन कर दिया, आपने इतने सेंसिटिव मामले को आपने सिर्फ वोट के रूप में तब्दील कर दिया, वोट के लिए यूज करने के लिए लोगों के बीच में ले गए, चिंता का विषय। इसके अलावा और मुद्दे हैं, आपने चुनाव लड़ते लड़ते ठेकेदार प्रथा की बात की थी, उसमें सरकारी स्कूलों से लेके हॉस्पिटल से लेके जितने भी एमसीडी से दिल्ली सरकार के तहत जितने भी ठेकेदार प्रथा के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपने बोला था कि हम तुरंत उनको पक्का करेंगे। आज लोग आपके सचिवालय में आपसे मिलने जाते हैं, आपको समय नहीं है मिलने का, कैसा वादा आपने किया जनता के साथ, आपके क्या करनी और कथनी में फर्क नहीं है क्या? ये चिंता का विषय है। आपने हॉस्पिटल्स को लेकर यही प्रॉमिसेस किया, हम सरकार बनेगी हम पहले दिन से उनकी व्यवस्था सुधारेंगे। आज हॉस्पिटल में आप चले जाइए, कहीं दवाई नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कोई जांच जाने वाला नहीं है, आप मीडिया को बुलाते हैं, अपने साथ फोटो खिलाते हैं, घर जाके सो जाते हैं, ऐसे देश चलेगा क्या? ये वास्तविकता है क्या इस देश की? आप कहीं रेड करने जाते हैं तो पहले मीडिया को अरेंज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए, आप ड्रामे में विश्वास रखने वाले लोग हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए, इस जनता के लिए, जिसे मैंने 60-गांठ का नाम दिया। सब लोग समझते होंगे 60-गांठ क्या होता है। चुनाव के दौरान हमने कसम खाकर जनता को विश्वास दिलाया था कि किसी राजनीतिक पार्टी से न समर्थन लेंगे न देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत चतुराई से चंद लोगों ने मिलकर सरकार बनाने का जाल बुना, मिलाकर उसका ये सामने रिजल्ट आया है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ आपने आज तक एक आदेश तक नहीं दिया है कि इनकी जांच की जाए। आपने एक आदेश नहीं दिया कि जो लोग जिन पे आपने, जिस मुद्दों पे आपने, जिस मुद्दे पे आपने आठों के पीछे लगा लगा के पोस्टर पूरी दिल्ली को ये बताया कि दिल्ली की ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी, दिल्ली के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, आज आप उनके खिलाफ सरकार बनने की 19 दिन भी बाद भी आपने एक भी इंक्वायरी तक उनके खिलाफ नहीं उठाई। आपने तो हर मंच पे कहा मेरे पास पर्याप्त सबूत है भ्रष्टाचार के। पिछले दिनों आपने जब विधानसभा सत्र चालू हुआ तो मैं उस सत्र में मौजूद था, आपने डॉक्टर हर्षवर्धन से एक लाइन कही जो चिंता का विषय है। आपने कहा अगर आपके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई में मतलब आपके पास कोई सबूत है तो आप दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। इसका मतलब आज से पहले जितने वादे आपने मंच पे खड़े होकर किए क्या वो सब झूठे थे?
आपके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं था, आपके पास सबूत नहीं था तो आपको किसने अधिकार दिया किसी को भ्रष्टाचारी कहने का? ये बड़ा सवाल है। अगर आपके पास सबूत है तो आप जांच क्यों नहीं करते? और अगर आपके पास सबूत आप हर्षवर्धन से मांगते हैं हाउस के अंदर, क्योंकि मिनट्स में वो मौजूद है, तो हर्षवर्धन से अगर आप मांगते हैं तो ये चिंता का विषय है कि आपने दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोला और एक मुख्यमंत्री मंत्रियों को बिना सबूत के भ्रष्टाचारी कहा, ये चिंता का विषय है। ऐसे ऐसे वाक्य हम सब लोगों को नहीं देते। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, सूत्र बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है, ये पूरे देश ने देखा है पिछले दिनों, सारे सूत्र बताते हैं और मैं भी स्वयं इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं। इसी का परिणाम है कि आज जितने महत्वपूर्ण फैसले आ उसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश की तरह है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो लोग आदेश कर रहे हैं उसका पालन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी आज जो सांकट पिछले पर्दे के पीछे हुई है वो इस बात को साबित करती है, कहीं ना कहीं ये लोग मिले हुए। इससे पता चलता है कि जो पहले दिन दिल्ली की जनता को बोला गया था कि हम दिल्ली की सरकार बनने के 6 महीने के अंदर उन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भेज देंगे, तिहाड़ जेल में नाम यूज किया गया, आज वो सब विषय भ्रष्टाचार का गौण हो गया है, कहीं लुप्त हो गया है। ये बड़ा चिंता का विषय। कुछ बातें पार्टी की, क्योंकि मैं पीछे स्क्रीनिंग कमेटी में था और दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा हुआ, जो एक हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ, वो आप लोग बीच में मैं जरूर शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्क्रीनिंग कमेटी में था, मैंने सब अपने सामने सब चीजें देखी। इस बात को बताने से पहले एक दो चीजें और बता दूं मैं आपको। हमारे तमाम मंत्रियों ने, एमपीओं ने, मुख्यमंत्रियों ने एक बात कही थी कि हम ना गाड़ी लेंगे, ना रेडलर लाल बत्ती की गाड़ियां लेंगे, ना बड़े बड़े बंगले लेंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि सारे मंत्रियों ने वीआईपी नंबर्स की गाड़ी आज वो चला रहे हैं और अधिकार के क्षेत्र मांग, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट दिया कि हम लाल बत्ती की गाड़ियां, वीआईपी गाड़ियों के नंबर, वीआईपी कल्चर के हम खिलाफ हैं। तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ है तो आप वीआईपी नंबर गाड़ी पे क्यों यूज कर रहे हैं? गाड़ी आपने छोटी गाड़ी के बड़ी गाड़ियां क्यों यूज की, ये भी चिंता का विषय। अरविंद केजरीवाल जी ने जो मंत्री रहते रहते 10 बड़े बेडरूम्स का जो घर चिन्हित किया था अपने लिए, अगर जनता उस पर विरोध ना करती तो क्या मुख्यमंत्री उस पर ना रह रहे होते? निश्चित रह रहे होते, उनकी भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी इच्छा थी कि मैं बड़े बंगले में रहूं, लेकिन उसका रूप बदल दिया। उन्होंने कहा कि जिसमें सीएम रहती उसमें ना रहकर अलग से एक फ्लैट के नाम पर बड़ा बंगला ले लूंगा, लेकिन जनता ने विरोध किया तो उसको उनको पीछे हटना पड़ा, अपना पीछे खींचना पड़ा सब चीजों को। और बाकी मंत्रियों में जो जो मेयर फेज टू में कुछ मंत्रियां रह रहे हैं, कुछ लोग रह रहे हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े 4-4 फ्लैट के अपने लेके ऑफिस और घर बना लिए। विधानसभा चुनाव को लेके कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, मैं पिछले दिनों रहा। विधानसभा चुनाव जो टिकट का जो बंटवारा हुआ था उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जो विधानसभा के टिकट पिछले दिनों बटे उसमें बड़े भ्रष्टाचार हुए। भ्रष्टाचार की परिभाषा दो तरह होती है, एक परिभाषा होती है कि सीधे सीधे पैसे लेना देना, किसी को देना, किसी को रिश्वत देना, एक होता है किसी के अधिकारों का हरण, किसी के अधिकारों को छीन के किसी और को देना, ये भी एक अपने आप में भ्रष्टाचार। और मेरे ख्याल से मैं जानता हूं कि पैसे लेने देने ज्यादा आदमी का किसी का अधिकार छीनना, किसी की चीजों को छीन के किसी और को देना, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें जब लक्ष्मीनगर सीट की जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें यह तय था कि विनोद कुमार बिन्नी वहां से चुनाव लड़ेगा, यह तय था कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेगा, यह तय था कि लाखेपुर से साजिया में चुनाव लड़ेगी, यह तय था कि बाबरपुर से हमारे गोपाल राय जी चुनाव लड़ेंगे, यह तय था कि मालवीय नगर से शशिकर जी चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ड्रामा क्यों? मैंने स्वयं, आप विश्वास कीजिएगा, मैंने कभी भी मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे अपने घर बुलाया, घर बुलाने के बोला कि भाई आपको चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि अगर आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो फिर यह चुनाव पार्टी कैसे लड़ेगी, हम लोग आगे कैसे जाएंगे, आपको इस दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़ना है, इसलिए आप इस दिल्ली से कोई सीट देख लीजिए जहां से ठीक लगे और आपका हम फाइनल कर देंगे। मैंने उनको मना किया अरविंद भाई कि मेरा वहां कोई परिचय नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, मेरे लिए ऐसे मान लो जैसे मैं जीरो से शुरू करने वाला विषय। उन्होंने कहा आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है बाकी लोगों के मुकाबले, आप लड़िए। मैंने उनकी पार्टी की बात को, उनकी बात को मानते हुए उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और मैंने, उन्होंने मुझे स्वयं, मनीष सिसोदिया जी ने स्वयं मुझे 100 साइन करा के अपने हाथ से दिए। मैंने वो 100 साइन लेने से मना किया और मैंने स्वयं जाकर अपने 100 साइन कराए
और कराने के बाद अपना फॉर्म जमा किया। वो सब फॉर्मेलिटीज थी, ड्रामा था, वास्तविकता उसमें नहीं थी कहीं भी। उस लक्ष्मी नगर की जनता और उन वॉलंटियर्स के साथ वो धोखा था, तो उन्होंने उस रूप में उन लोगों के साथ किया। उसके बाद जब वहां बहुत विरोध हुआ तो मैंने अपना लिख के चार लाइनें उनको दी थी कि मैं इसी विरोध में इस पार्टी के किसी के हित के लिए रक्षा ना कर सके, किसी के हितों को छीन के मुझे दिया जाए, इस जीत पे चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आप विश्वास कीजिएगा, अगर उनके पास वो कॉपी है तो वो आप दिखा भी सकते हैं। जब मैंने लिखित में उनको दिया था, मैंने कहा था मुझे सीट पर चुनाव नहीं लड़ना, पर लक्ष्मी नगर जिसपे मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं आप लड़िए, हमने कह दिया हो गया सब कुछ। और ऐसे ही कटपटगंज पे हुआ, कटपटगंज मनीष सिसोदिया का लड़ा था स्क्रीनिंग कमेटी में, आपने नाम डाल दिया उसका, उनका शॉर्टलिस्ट में नाम डाल दिया। बाबरपुर में डॉक्टर गोपाल राज जी का नाम डाल दिया आपने, मालवीय नगर में शेखर का नाम डाल दिया, और आरके पुरम में साजिया इग्निजी का नाम डाल दिया, तो फिर ड्रामा क्यों?